हाई एवरी वन वेलकम टू द्लास ऑफ क्लास इलेवेंथ एंड टूडे इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू कवर योर रीडिंग सेक्शन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका अनसिन पैसेज पैसेज को हम इक्र नाम से जानते हैं जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन राइट अनसीन uh, पैसेज को हम अनसीन पैसेज क्यों कहते हैं इज अ रीजन क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपके एग्जाम में कैसा पैसेज पैसेज आता है जिससे रिलेटेड आपको सवाल के आंसर्स करने पड़ते हैं और वो passage आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होता इसीलिए आप उसको बोलते हो अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसको क्यों बोला गया अनसीन पैसेज को उसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करते हो तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपका जो एग्जामिनर होता है जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया होता है वो तो आपकी दो चीजों को चेक कर रहा होता है पहली आपकी रीडिंग एबिलिटी और दूसरा आपका कॉम्प्रीहेंशन ना वोट इज कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा शब्द है आपका जो बना हुआ है कॉम्प्रीहेंड से अब आप सोचो कि कॉम्प्रीहेंड क्या होता है कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना इट right? सो so, जब आप अपने एग्जाम में बैठोगे तो आपकी दो चीजें चेक करी जाएंगी एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स और दूसरी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ये दोनों हम डेवलप कैसे करें रीडिंग तो आपकी हैबिट से आती है जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना जल्दी और तेजी से आप किसी भी पैराग्राफ को कवर कर पाओगे कॉम्प्रीहेंशन कैसे आता है मैम देखो कोई भी अगर वर्ड हमें समझ में नहीं आता तो हम उसका मीनिंग नहीं जान पाते और जब मीनिंग नहीं जान पाते तो हम उसको समझ भी नहीं पाते जैसे अगर मैं आप लोगों से

है ना पीप और पीक दोनों ही झाँकने के लिए बोलते हैं पीप नॉर्मली झाकने का वो बोलते हो आप जैसे आपने सॉन्ग सुना सुनाओ बोला वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है सो वहां पर आप क्या कर रहे हो आप पीप कर रहे हो झांक रहे हो आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है लेकिन अगर कोई किसी को इसलिए ताका झाकी कर रहा है क्योंकि वहां पर उसको ब्लास्ट करवाना है या उसका घर गिराना है या कोई निगेटिव एक्टिविटी करनी है तो वो उसको पीक करेगा जैसे आप लोग पबजी गेम में देखते हो राइट सो so, आप विकैबुलरी आपको बता थी तो आपने आसानी से आ, मतलब आ, समझ लिया और आपको अंडरस्टैंड भी हो गया वो सो अल्टीमेटली रीडिंग विल कम्स विद हैबिट एंड कॉम्प्रीहेंशन विल क्स कम्स विद द मोर विकैबुलरी यू लर्न लेकिन आपको विकैबुलरी भी ऐसे लर्न नहीं करनी कि आप ऑक्सफोर्ड लेकर के बैठ जाओ आपको विकैबुलरी इस तरह से लर्न करनी है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसेज करो जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स तो इंप्रूव हो ही रही हैं साथ ही साथ में आपका एक और चीज डेवलप हो रहा है एक और चीज़ इंप्रूव हो रहा है जिसे आपने क्या बोला जैसे आपने बोला आपका कॉम्प्रिहेंशन है ना सो so, जैसे जैसे आप विकैबलरी को समझते जाओगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी सो so, आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मिल करके इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पूरे के पूरे सेट को या पूरे के पूरे लेसन को लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आप क्लास इलेवेंथ या ट्वेल्थ की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में अब दो तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा एक तो है आपका सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिखना पड़ेगा और दूसरा है ऑब्जेक्टिव जिसमें आप क्वेश्चन के आंसर करोगे वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन दिया गया होगा उसको आपको चुनना होगा राइट सो so, मैंने यहाँ पर दोनों तरह के पैराग्राफ लिए हैं हालांकि आपके एग्जाम में जब आएगा तो एक ही पैराग्राफ में दो तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे मैंने सेपरेटली उसको अलग-अलग पैराग्राफ में करवा दिया आइए स्टार्ट करते हैं नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन दैट व्हाट इज अनसीन पैसेज बच्चों का होता है सो अनसीन पैसेज क्या है अनसीन पैसेज इज नथिंग एल्स बट आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओनली नाउ व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ पैसेज जिसमें आपको एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया होता है जिससे आपको कोई लिटरेरी पैराग्राफ आ सकता है या फिर कोई फैक्चुअल पैराग्राफ आ सकता है Literally, बोले तो ऑथर uh, के ओपिनियन किसी टॉपिक पे आ सकते या फिर आपको एक ऐसा पैसेज आ सकता है जिसमें कोई कहानी सुनाई जा रही हो कोई स्टोरी बताई जा रही हो या फिर आपको एक फैक्चुअल पैसेज आएगा जिसमें ट्रूथ लिखे गए होंगे जैसे कि किसी की ऑटोबायोग्राफी या फिर आपके साइंटिस्ट uh, का कोई इन्वेंशन है उसके बारे में लिखा हुआ है या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट राइट सो ये कॉम्प्रिहेंशन आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में आता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर ही आप लोगों को करने होते हैं राइट right? सो मल्टीपल क्वेश्चन यू विल बी गिवन आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे राइट right? आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो दस नंबर के आसपास होता है मतलब रीडिंग uh, सेक्शन आपका बीस मार्क्स का होता है तो दस दस मार्क्स के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं Now look at this. this? What is is the the objective objective of of As I told you, the main objective of giving reading comprehension in your examination is, आपकी दो चीजों को चेक करना पहली आपकी reading ability और दूसरी आपकी understanding ability। अगर आपकी ये दोनों strong हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अपने reading comprehension को और उसी से नजर लगाया जाता है कि बच्चा कितना समझदार है वो कितने अच्छे से चीजों को पढ़ लेता है right? सो आई होप दिस क्लियर टू एवरीबडी दर इज नथिंग एल्स ऑब्जेक्टिव रान दिस क्योंकि अल्टीमेटली वो यही देखना चाहते है की बच्चा पढ़ो तो अच्छे से लेता है समझ तो अच्छे से लेता है यही आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में भी फ्यूचर में मदद करेगा ना बच्चे पूछते हैं कि मैम किस तरह के क्वेश्चन हमको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए कभी कभी आपकी एग्जाम में आपसे पैसेज की टोन पूछती जाएगी कभी कभी आपसे पैसेज का थीम पूछ लिया जाएगा किसी लाइन का थीम पूछ लिया जाएगा कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में विकैबुलरी पूछ ली जाती है कि इसका बताइए सिमिलर वर्ड या इसका ऑपोजिट वर्ड बताइए या फिर कभी कभी आपसे एग्जाम्स में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब इन्फ्रेंस बेस्ड मतलब आपको आ, पैसेज का ओवरव्यू बताना होगा कोई ऑथर लाइन लिख देगा उस लाइन का मीनिंग बताना होगा या फिर आ, इस फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर क्या बताना चाहता है सो इस तरीके से आपके उससे घुमा फिरा करके वो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है इसमें आपको फिर आपके ट्रू और नॉट ट्रू बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में और फिर आता है कॉन्टेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें आप लोग बोलते हो कि जो भी आपके पैराग्राफ में दिया गया है उसी से रिलेटेड आपसे कोई ना कोई सवाल वो कर लेगा है ना कोई स्टोरी सुनाएगा हो सकता है वुमेन एम्पॉर्मेंट किसने स्टोरी सुनाई हो है ना सो so, आपसे ये पूछ सकता है कि ये वुमेन एम्पॉर्वमेंट की बात कौन कर रहा है या वुमेन एम्पॉर्मेंट आने के क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या नुकसान है ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है सो ये छह टाइप के पैटर्न होते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको पूछे जाते सो अल्टीमेटली इफ आई से ना सो so ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि आपको ये काफी ज्यादा हेल्प भी करते हैं टू इंप्रूव यू एज वेल एज योर सेल्फ राइट अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अपना इंप्रूव करना है और आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या फिर आप ऐसे बोलो कि आपको में पैसेज अच्छे मार्क्स लेकर के आने तो आपकी आपको किन पे वर्क करना पड़ेगा तो सबसे बड़ी टास्क होता है ये कि आप करते क्या हो पहले पहले आप पैराग्राफ को पढ़ते हो या पहले आप क्वेश्चन करते हो सो so, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग अप्रोच होती है कुछ बच्चे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ को पढ़ते हैं राइट सो मैं कौन सी अप्रोच फॉलो करती हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी सी

क्योंकि आपने पैराग्राफ को पढ़ा ही नहीं आप कैसे बताओगे ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं थीम क्या है कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे राइट सो इट इज मोर इजी टू रीड अ पैराग्राफ फर्स्ट देन द आंसर बिकॉज बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर सीधा सीधा पूछा ही नहीं जाता में जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ लोगे तो आपको उस पैराग्राफ के बारे में पता चल जाएगा ऑल तो आपको बहुत सारी विकेबुलरीज नहीं आती लेकिन आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि पैराग्राफ क्या क्या रहा है तो आप काफी सारे आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे आइडियाज मिल जाएंगे जिससे आपके दिमाग में एक स्टोरी समअप होने लगेगी कि क्या चल रहा है पैराग्राफ में

So, अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है तो आपकी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए ट्राई टू डू विनोइंग ऑफ द पैसेज मैम विनोइंग क्या है? मम्मी लोग को देखा होगा गाँव वाव में अगर कहीं चले जाओ आप या फिर आपने कोई सीरियल देखा वाला तो देखा होगा आपने औरतें जो होती हैं वो एक सूप लेकर के रही होती हैं गेहूं को जिसमें से कचरा अलग हो रहा होता है और साफ साफ गेहूं वही रहता है सो so, वही पछोड़ना आपको भी आपको पूरे पैराग्राफ का कोई लेना देना नहीं होता पैराग्राफ में सिर्फ काम काम की चीजें होती है जैसे एडजेक्टिव हो गया एडवर्ब हो गया नाउन हो गया राइट ये वर्ब हो गया ये सब मेन फोकस वाले पॉइंट होते हैं यही आपको मेन आइडिया बता रहे होते हैं पैसेज का सो एस एम आर से कोई भी लेना देना आपका नहीं होता राइट वो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो टू थ्री फोर ऐसे करके कुछ भी वर्ड दिया गया में तो आप उसको लीव कर सकते हो प्रेपोजिशन का बहुत रेयर काम होता है सो so, अगर आप मेन चीजों पे फोकस कर लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ किस चीज की बात कर रहा है। सो so, आपका इतना बड़ा पैराग्राफ ना वो छोटे से में सम्मप हो जाता है आपको ओवरऑल व्यू पता चल जाता है गेट द थीम ऑफ द पैसेज जब आप विनोइंग लोगे तो आप पैसेज का थीम समझ लोगे और एक बार आपको अगर थीम समझ में आ गया ना तो फिर आप क्वेश्चंस के ऊपर जाइए और तब जाकर के आप सवालों का आंसर करिए तो हम आज के जो सेशन होने वाला है उसमें दो पैराग्राफ करने वाले हैं और दोनों के दोनों पैराग्राफ में हम इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करेंगे सो so, पहला पैराग्राफ मैंने लिया है जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं एमसीक्यू बेस्ड दूसरा पैराग्राफ मैंने लिया है जिसमें मैंने आप लोग को जो क्वेश्चन दिए हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड हैं सो आइए देखते हैं तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ जो है वो ये है मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार पैराग्राफ को पढ़ लें उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगी तो यहाँ पर आपको एक आ, सोर्स बताया गया है कि जो ऑयल होता है ठीक है वो ऑयल का सोर्स कहाँ से है कहाँ से ऑयल निकाला जाता है प्रोड्यूस किया जाता है या उसको और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ठीक है चलिए पढ़ते हैं मैं साइड में होकर के इसको रीड करूंगी और आप मेरे साथ साथ इसको रीड करेंगे There are three main groups of oil animals, comma vegetable and mineral. तीन तरह के ग्रुप होते हैं तीन अलग अलग तरह के ग्रुप एक है oil animals और दूसरा है vegetable और तीसरा है mineral. ये तीन ग्रुप्स hain Great quantities ऑफ एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम वेल जो सबसे ज्यादा एनिमल quantity होती है वो कहां से आती है वेल से आती है दो इनॉर्मस क्रिएटर ऑफ द सी आपको पता है बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड अगर आप इस वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एनिमल की बात करोगे तो वो आपका क्या है वो आपका वेल है टू प्रोटेक्ट दाम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सीज नेचर है आपको पता है कि जो नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है अगर आप आर्टिक या आ, एंट, आ, एंटार्टिका में चले जाओ आप तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी राइट तो कहीं पर भी अगर आप देखोगे सीज देखोगे सीज तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है अब उस ठंड से प्रोडक्शन चाहिए किसको वेल्स को क्योंकि उन्हें तो पानी में रहना है अब उनके लिए कवरिंग क्या है वो तो स्वेटर हमारी तरह नहीं पहन सकती तो भगवान जी ने उन्हें क्या दिया हुआ है खूब मोटी मोटी फैट की लेयरिंग राइट नाउ

सो so, वेल आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलीबर्ट ये भी दो अलग अलग मछलियां हैं कॉड फिश और हेलीबर्ट इनके लीवर का इस्तेमाल किया जाता है ऑयल को निकालने के लिए शील्ड नरिशिंग ऑयल तो ये क्या निकालती है ये ऑयल निकालती है Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. और इनको दिया किसको जाता है ये बीमार बच्चों को दिया जाता है और कुछ और लोगों को भी दिया जाता है जिनको जरूरत होती है कुछ तरह के विटामिन की जैसे जानवरों वगैरह को भी दिया जाता है वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स अगर मैं बोलूं और कहां से ऑयल निकाला जाता है ऑफ फिशेस तो वेजिटेबल से निकाला जाता है ऑयल जैसे आपने सरसों का तेल सुना होगा है ना फ्लावर्स का तेल सुना होगा तो वो यहां से आता है नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विद आउट इट तो हर घर में वेजिटेबल ऑयल तो यूज होता ही है और वेजिटेबल ऑयल का मेन यूज क्या होता है इट इज यूज इन कुकिंग परफ्यूम्स में भी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ़ सर्टिन फ्लावर्स अच्छा परफ्यूम्स किससे बनाए जाते हैं परफ्यूम्स बनाए जाते, है? जाते हैं फ्लावर्स ठीक और सोप्स किससे बनाए जाते हैं सोप्स बनाए जाते हैं वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल ऑफ सर्टे फ्लावर्स तो अगर आप बात करोगे परफ्यूम्स की तो वो हली फ्लावर से बनते हैं और अगर साबुनों की बात करोगे तो वो वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड ऑयल्स और सर्टेन फ्लावर से बनते हैं तो मिक्स करके बनाया जाता है सो so, हमने समझ लिया ना हमें अलग अलग जगह से ऑयल मिल रहा है सबसे लार्जेस्ट जो ऑयल प्रोडक्शन है वो वेल से मिलता है और वेल की क्या चीज़ आपको आ, ऑयल देती है दैट इज ब्लबर इसके अलावा आपकी दो फिशेज के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और, और उनके लीवर से भी ऑयल बनता है और उनको यूज किया जाता है अलग अलग जगह पे साथ में कुछ ऑयल जो होता है वो कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता है जिसको आप वेजिटेबल ऑयल बोलते हो फ्ला के ऑयल को परफ्यूम में यूज किया जाता है और साबुन में भी यूज किया जाता है लेकिन साबुन जो है वो वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट और ऑयल और सर्टन फ्लावर से बनता है हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया हमें ओवरऑल व्यू मिल गया हम इस परेशन करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज जो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स है वो क्या है फिश वेल सीवीड्स या फिर प्लांट्स। सो वी कैन से करेक्ट आंसर नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल इज वेजिटेबल ऑयल को किस लिए यूज किया जाता है ईटिंग में कुकिंग में फ्राइंग में या फिर ल्यूब्रिकिंग में बताइए अभी हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ में यूज किया था सबसे ज्यादा अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो आई हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज यूज इन कुकिंग ये खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है आप ईटिंग नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्ट आप कंजम्पन नहीं करते उसका सो यू विल यूज इट कुकिंग फ्राइंग और ड्यूब्लिकेटिंग अदर ऑप्शन हो सकता है लेकिन मेन काम क्या है घरों में इसका ये कुकिंग के लिए यूज होता है नेक्स्ट द डैश ऑफ द फिश ईड नरिशिंग ऑयल फिश की क्या चीज से ऑयल निकाला जाता है लिवर से स्टमक से आई से या याड से सो स्टमक और और हेड तो कहीं मेंशन नहीं था और की बात करी गई थी और उनके लिवर से ही क्या निकाला जाता है ऑयल निकाला जाता है फाइन नेक्स्ट देखिए तो ए आंसर हो गया पिछले वाले का द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ इज अल इस व्हील के ऊपर मोटी सी कवरिंग होती है लेयर की उसको क्या बोलते हो आप उसको आप ब्लबो बोलते हो सो so, उसको स्किन बोलेंगे सेल बोलेंगे ब्लबर बोलेंगे किफिन बोलेंगे सो द करेक्ट आंसर इज सी उसको ब्लबर बोलते हैं यही तो उसको बचाती है ना आर्कटिक एनवायरनमेंट से सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट डैश आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर क्या चीज है जो वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट और ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर से बनती है यहां पे तीन चीजों का यूज हुआ है अगर हम परफ्यूम की बात करते हैं तो वो सिर्फ फ्लावर से बनते हैं तो हम इसको आंसर नहीं लेंगे

पैराग्राफ को आपने एक बार पढ़ लिया और क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर लिया कुछ बच्चे so, को बस यही बताऊंगी uh, आपको बड़ा दिख जाता है तो so, टेंशन की जरूरत नहीं है उसको भी बस आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आंसर करना है, है ना सो अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो पैराग्राफ का तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतना क्लियर हो गया सभी को ग्रेट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब यहां पर जो हमने पैराग्राफ लिया है दिस पैराग्राफ इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सब्जेक्टिव है यानी कि आपको यहाँ पर रिटर्न आंसर देने पड़ेंगे ओके okay? चलो इसको करते हैं अब यहाँ पर आपको पहले पढ़ना है इसको मेरे साथ साथ पढ़ना है है ना यहाँ पर आपको बताया गया है एक सर्वे किया जा रहा है जो बच्चे हैं वो आजकल घर का खाना नहीं खाते वो खाते हैं बाहर का खाना या रेडी टू कुक फूड अब उसका किस तरह का इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है सर्वे किया गया कोई कौन किस तरह का कंजम्पशन कर रहा है उस सर्वे का रिजल्ट क्या आया? सब so न, ये सब चीजें आपको करी गई हैं सो दिस इज गोना बी फैक्चुअल चेंजेस जो फूड प्रेफरेंस में हम चेंज कर रहे हैं जैसे हमने अपने खाना खाने के तरीके को बदल दिया दाल रोटी ना खा करके हम लोग बाहर का खाना खाते हैं चटर पटर वाला खाना जस्ट लाइक मोमोज खा लिए ठीक है और समोसे पैक्ड फूड आते हैं उनको खा लिया तो ऐसी ऐसी चीजों को हम लोग खा रहे हैं। है ना और क्योंकि हम अपने फूड प्रेफरेंसेस को चेंज कर रहे हैं इसी वजह से हमारे अंदर रैपिड चेंजेस आ रहे हैं रैपिड बोले तो बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है स्पीडी चेंजेस और सडन भी बोल सकते जब हमने अपनी को किया, तो हमें बहुत सारे मिले इंडियन डाइट के स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिले द रैपिड प्लॉरिफरेशन ऑफ मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनीस्ड वॉट रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल होम कुक मील्स विद रेडी टू ईट फूड तो अभी बेसिकली ये जो फूड प्रेफरेंसेज में चेंजेस हैं वो कहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं या बेसिकली चेंजेस देखने के लिए कहाँ से मिले तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो रैपिड प्रोलीफरेशन देखने के लिए मिल रहा है ना वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोलीफरेशन इसका मतलब है एक इंक्रीज जो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इंक्रीज है तो एक रैपिड प्रॉलिफ्रेशन एक रैपिड इंक्रीज किस चीज में देखने के लिए मिला मल्टीनेशनल फास्ट फूड फूड कंपनीज में अलग अलग कंपनीज आ रही हैं वो हमारे यहाँ आकर के अपने सेटअप डाल रही हैं और उसके बाद इन्फ्लुएंस कर रही हैं किसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे इंडियन डाइट एंड हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल होम कोड फूड मतलब दाल रोटी आटा चावल ये सब हम लोगों ने खाना छोड़ दिया और हम लोग किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं रेडी टू ईट फूड पे रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है पैक्ड ले, ले लेते हैं

बढ़ना बहुत तेजी से हो रहा है और इसका रीजन कौन है ये बाहर का खाना रेडी टू ईट फूड देर्चर करना पड़ेगा नर्चर का मतलब है पोस्टर करना है हमें अपने अंदर ये आदतें डालनी पड़ेंगी किस चीज की हेल्थी ईटिंग की कि हम लोग दाल रोटी सब्जी आटा दाल चावल ये सब खाएं ठीक है और अगर हम इंडियंस के अंदर ये आदतें नहीं डालेंगे तो फिर वो बीमार पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो उनको हेल्थ इश्यूज ना हो तो हमें उन्हें घर का खाना खिलाना ही पड़ेगा तो जितना घर का खाना खाएंगे उतना आप अपनी लाइफ में सिक्योर फील करेंगे और उतनी लंबी आपकी उम्र होगी आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हो ये वाला पैराग्राफ अब हम अगले पैराग्राफ पे बढ़ते हैं आप इस पैराग्राफ को देख लीजिए बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं है छोटा सा ही है बट चार पैसेजेस में अलग अलग मतलब एक पूरा पैसेज है चार पैराग्राफ में डिवाइडेड है टू डेट अभी तक लिटिल इज नोन अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड बाय अर्बन इंडियंस एडोलेसेंट्स एडोलेसेंट्स मतलब जो जवान बच्चे हैं। है ना जो जवान बच्चे हैं उनको बोला गया कि अभी तक पता ही नहीं था कि उन्हें कौन सी क्वालिटी ऑफ फूड खाना चाहिए या कौन सी क्वालिटी ऑफ ड्रिंक पीनी चाहिए या कितना पीनी चाहिए अगर लोगों को यह पता चल जाए कि हमें खाना कितना खाना है और क्या खाना है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे है ना सो so, अब तक इस चीज के बारे में बहुत कम पता था कि आखिर जो इंडिया के बच्चे हैं वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं दिस लैक ऑफ एविडेंस इज अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव न्यूट्रिशन प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स अब ये जो प्रॉब्लम थी जो अभी तक लोगों को पता नहीं था या जो सर्वे करने वाले थे उनको पता नहीं था कि आखिर इंडिया के जो एडोलेसेंट्स बच्चे हैं वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं यही एक बहुत बड़ा बैरियर बना सबसे बड़ा बैरियर सबसे बड़ा बैरियर एक रोक था है ना किस चीज में किस चीज़ में डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव न्यूट्रिशंस And so, आपको पता होगा कि लोग क्या कर रहे हैं बीमारियां ना हो इसके लिए आपको अवेयर कर रहे हैं तो वो काफी सारे आपको बताते। बोला जाता है ना प्रिवेंशन इज बेटर बीमारी के बाद आपको इलाज करना पड़े इससे पहले ही आप प्रिवेंशन लेना शुरू कर दीजिए कि ये नहीं करना ये नहीं करना ऐसे नहीं खाना वैसे नहीं खाना राइट सो so, प्रिवेंशन जो बताया जा रहा है जो डिजीज प्रिवेंशन के बारे में लोग मेजर्स दे रहे हैं अलग अलग लगा करके है ना और क्या क्या खाना चाहिए इफेक्टिव न्यूट्रिशन को जो फैला रहे वो कारगर नहीं हो रहा था उसके पीछे रीजन था कि पता ही नहीं था लोग क्या खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं है ना सो अगर हमें ये पता चल जाए लोग क्या खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं तो हम उनको सही डाइट सजेस्ट कर पाएंगे उनको सही एक डेटा बता पाएंगे कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत

टोटल एक हजार छब्बीस बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो एडोलेसेंट्स बच्चे थे वो चौदह से सोलह साल की उम्र के थे है ना? और ये बच्चे कहाँ के थे ये एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि कहा का है कोलकाता का तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोलकाता के प्राइवेट इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में 14 से 16 साल के बच्चों का एक सर्वे किया गया और टोटल हजार छब्बीस एक हजार छब्बीस बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया उनसे फिफ्टी नाइन आइटम मील बेस्ड एक एफ एफ क्यू किया गया उनसे क्वेश्चन पूछे गए कि इनमें से आप क्या खा रहे हो तो उनका आंसर आया अब देखो ये डेटा तैयार हुआ है अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये परसेंटाइल है जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स एट्टी तक गया हुआ है है ना और यहाँ पे दे दिया गया वेजिटेबल्स फ्रूट्स एनर्जी डेंस स्नैक्स और एनर्जी डेंस ड्रिंक जिसमें एनर्जी होती है वाले स्नैक्स और जिसमें एनर्जी होती है वाले ड्रिंक्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कितना खा रहे हैं बच्चे सो so, वेजिटेबल्स का नो इनटेक देखा गया तीस परसेंट बच्चों में दिन भर में एक बार जो वेजिटेबल खा रहे हैं वो दस से ऊपर के बच्चे हैं मतलब दस परसेंट से ज्यादा बच्चे हैं दिन भर में दो बार वेजिटेबल खाने वाले बच्चे पंद्रह सत्रह के आसपास है पर, परसेंटेज में तीन से ज्यादा सर्विंग खाने वाले बच्चे चालीस हैं मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तीन से ज्यादा बार वेजिटेबल्स खा रहे हैं फ्रूट्स नो इनटेक में सबसे ज्यादा डेटा निकल करके आया और थ्री सर्विंग में उससे कम टू सर्विंग में उससे कम और सबसे लीस्ट निकल के आया मतलब, वाले बहुत कम है एनर्जी डेंस स्नैक्स में दिखा गया सबसे ज्यादा डेटा पहुंच गया थ्री सर्विंग्स वाला मतलब वो सत्तर परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी डेंस स्नैक्स खाते हैं उससे कम टू सर्विंग वाले हैं उससे कम नो no इनटेक वाले हैं और उससे कम वन सर्विंग वाले हैं फिर ऐसे ही एनर्जी डेंस ड्रिंक का देखा गया उसमें भी डेटा निकल के आया कि थ्री मोर सर्विंग वाले सबसे ज्यादा है उससे कम टू सर्विंग उससे कम वा... नो सर्विंग और उससे कम वन सर्विंग so इस तरीके से डेटा तैयार कर दिया गया कि कौन कितना कंजम्पशन किस चीज का कर रहा है कितनी बार में वो लेता है राइट right? सो so ये हमारे पास डेटा आ गया अब यहाँ पर बोला गया कि ये जो सर्वे हुआ इसमें रिजल्ट क्या निकला रिजल्ट रिपोर्ट पुअर फूड कंजम्पशन ढंग से लोग खाना नहीं खा रहे तमीज नहीं उन्हें खाना खाने की क्या कितनी बार चाहिए पता ही नहीं चल रहा एंड हाईलाइट द नीड टू डिजाइन हेल्थी ईटिंग इनिशियटिव जिस तरह का डेटा आया कि स्नैक्स खाने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं ड्रिंक्स पीने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो इनके कंजम्पन को थोड़ा इधर से रोका जाए और उनको ज्यादा क्या खिलाया जाए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो हेल्दी ईटिंग इनिशियेटिव लेने की जरूरत है

वहीं अगर आप लेग्यूम्स की बात करोगे जो बीज वाली चीज होती है जैसे मूंगफली हो गई है ना आ, सेम हो गई ये सारी चीजें जो हैं और जो स्नैक्स हैं उनका डेटा इक्वल निकला मतलब फीमेल और मेल बराबर खाने वालों में स्नैक्स वगैरह जो है वो बराबर में चल रहा है लेकिन अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करी जाए तो वो लड़कों की कंपेरिजन में लड़कियां ज्यादा खाती हैं मतलब इसका मतलब ये बताया गया कि बाहर का खाना चटोरापन जो है वो लड़कों में ज्यादा है है ना

है ना एज दे है पोटेंशियल को बताइए कि उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है टीन एज में ही सबसे ज्यादा खानी होती है क्योंकि वही आपकी ग्रोथ का टाइम होता है एडिशनली हेल्थी स्कूल कैंटीन पॉलिसीज विध इम्प्रूव अवेलेबिलिटी एसेसिबिलिटी वराइटी एंड अफोर्डेबिलिटी साथ ही साथ में आप अपने कैंटीन में भी खाना समोसा सैंडविच बर्गर ये सब मत रखवाइए बल्कि प्रॉपर खाना रखवाइए जस्ट लाइक आपको अपने स्कूल में क्या क्या रखना है एक अच्छी अवेलेबिलिटी देनी है होना चाहिए खाने के लिए अच्छा सामान चावल दाल रोटी ये सब होना चाहिए बच्चे आसानी से उसे एक्सेस भी कर पाए मतलब ऐसा ना हो खत्म हो जाए सारे बच्चों को मिल ना पाए अलग अलग वेरिएशन भी होना चाहिए रोज सेम दाल रोज सेम चावल नहीं खाना है किसी भी बच्चे को राइट और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अफोर्डेबल हो वो बहुत महंगा ना हो इतना हो कि बच्चा आराम से लेकर के उसे खा सके बीस तीस रुपए में उसका काम चल जाए राइट right? तो अगर कैंटीन में अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चा वही खाएगा जो कैंटीन में अवेलेबल है वो समोसा ब्रेड सैंडविच ये सब नहीं खाएगा राइट ऑफ हेल्थी फूड चॉइसेस वुड सपोर्ट द ऑफ न्यूट्रिशियस फूड इन स्टूडेंट सो इस तरीके से जब उनके कैंटीन में हेल्दी खाना दिया जाएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो वही खाना खा करके अपना पेट भरेगा ऑफ कोर्स कोई भूखा तो नहीं रह सकता पूरे टाइम राइट सो इस तरीके से पूरे सर्वे से हमें पता चला कि इंडियन फूड में जो चेंजेस देखे गए हैं वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से उससे उनका जो आ, नरेशन है वो खराब हो गया है डिजीजेस बढ़ रही है इस पर कंट्रोल करना है तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा और जब एक स्कूल का सर्वे किया गया तो उसमें सजेशन ये दिया गया कि आप अपने स्कूल में जो कैंटीन है वहां का जो खान है उसको सही करिए

आप पूरा वहीं से कॉपी पेस्ट करोगे बाई चेंजिंग फूड द रिसर्चर मीन द चेंज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो अर्बन पॉपुलेशन है हमने रूरल नहीं बोला गाँव के लोग नहीं कर रहे ये गांव के लोग नहीं कर रहे बल्कि ये कौन कर रहा है ये वो लोग कर रहे हैं जो कि अर्बन पॉपुलेशन वाले जो सिविलाइज लोग हैं जो अच्छा कमाने वाले लोग हैं वो लोग होम कुक्ड फूड की जगह पर रेडी टू ईट फूड खाना शुरू कर चुके हैं और ये इन्फ्लुएंस कहाँ का है ये वेस्टर्न कल्चर का है वेस्टर्न कंपनीज का है जो आकर के सेटअप कर रही है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है

सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि इनको अभी तक पता ही नहीं था कि बच्चा कौन सी क्वालिटी ऑफ फूड को खा रहा है या कितनी क्वांटिटी में फूड को खा रहा है राइट right? सो so, वही पूछा जा रहा है सर्वे वॉज अंडरटेक द फूड अर्बन इंडियन ये इसलिए किया गया क्योंकि इनको अंडरस्टैंड करना था कि जो अर्बन इंडियन है वो भी अडोल्सेंट एज के वो किस तरह के पैटर्न में फूड कंज्यूम कर रहे हैं A little is known about the quality and the quantity of foods consumed by them. पहले नहीं पता था इतना so, through the, data provided in the survey recommendations can be made. तो जो डेटा आएगा उससे सही वो कर पाएंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं So data is necessary. बिना डेटा के कुछ भी बता पाना is very difficult. Fine? So इसी वजह से ये सर्वे किया गया सर्वे क्यों किया जाता है ताकि हमें पता चल पाए कि क्या चल रहा है और हम क्या बेटर कर सकते हैं सो सर्वे इज necessary.

ये टेन है ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के आसपास मुझे नो no इनटेक वाले दिखाई दे रहे हैं so, सो मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना था कि कौन कितना खा रहा है तो मैं किस तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी क्लोज टू फोर्टी सेवन थ्री और मोर सर्विंग्स है ना फाइव परसेंट सेड वन टाइम ठीक है एंड आर स्टूडेंट्स जी ड्रिंक नो वाला सीन है ना और फाइव परसेंट ने एक बार से ज्यादा की बात नहीं करी और अगर दो सर्विंग की बात करें तो वो लगभग लगभग आपका कितने के बराबर है ट्वेंटी फाइव के आसपास तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो इन्होंने तो आपसे एक ही बोला था मैंने तीन तीन मेन्शन कर दिए आप कोई भी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो तो ये रहा कंक्लूजन की थ्री सर्विंग वाले कितने हैं फोर्टी थ्री के आसपास टू सर्विंग वाले कितने हैं? के आसपास, no वाले कितने हैं? के आसपास। है? so, यही आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना था क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ लेंगे ना बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं फोर देखिए व्हाट कैन बी कंक्लूडेड बाय द नो इनटेक ओके नो इनटेक ऑफ डेटा ऑफ फ्रूट कंजम्पशन फ्रूट कंजम्पशन में नो no. तो ये रहा फ्रूट कंजम्शन और उसमें रहा ये नो no. सो so, अगर आप इसको देखोगे तो आपका ये यहां पे लाइक रहा है मतलब कंक्लूजन तो पे? पे. No ड्रॉ so, करना है कितने लगभग परसेंटाइल का डेटा है सो so, इसको इस तरीके से लिख सकते हो मोर देन फोर्टी फाइव परसेंट डू नॉट कंज्यूम फ्रूट्स इन एनी सॉर्ट पैंतालीस परसेंट के आसपास बच्चे हैं जो बिल्कुल भी फ्रूट कंज्यूम नहीं कर रहे और दस परसेंट के आसपास बच्चे हैं जो एनर्जी डेंस ड्रिंक को यूज नहीं कर रहे हैं, हैं कर रहे है। so, हमने ड्रॉ कर दिया सिंपल हमें क्वेश्चन को सिंपली पढ़ना है और कुछ नहीं आपने नो इन टेक का डेटा मांगा हमसे किसका किसका फ्रूट कंजन का और किसका मांगा एनर्जी डेंस स्नैक का हमने दे दिया डन आगे देखिए रहे नो जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व इन द कंजम्पशन ऑफ हेल्दी फूड्स अकॉर्डिंग टू द सर्वे सबस्टेंशियट सो नो जेंडर डिफरेंसेस किसमें आपको बताइए नो जेंडर डिफरेंसेस मेल्स और फीमेल्स में देखने के लिए मिले हैं इन इनकेस ऑफ लेग्यूम्स एंड स्नैक्स जबकि वेजिटेबल्स की बात करें फ्रूट की बात करें तो फीमेल का डेटा मेल से ज्यादा है

इन्होंने no gender difference का बोला तो उन्हें no gender differences कर दिया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। स्कूल कैंटीन पॉलिसी अफोर्डेबिलिटी को क्यों मेंशन किया गया है स्कूल कैंटीन पॉलिसी में आप सोचो ना 14 से 16 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

वो अपना सर्वे खुद करेगा तो अपना सेल्फ सेल्फ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पर आपका सर्वे होना था सो so, इसके लिए हम एक सिंपल से आंसर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट बोला ना स्पेसिफिकली डिजाइन टू बी कंप्लीटेड बाय रिस्पोंडेंट मतलब हम रिस्पोंडेंट हैं हम सर्वे कर रहे हैं रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सो वी कैन सिंपली से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज

सी के साथ मैं सेशन एंड करना चाहूंगी तब तक के लिए थैंक यू बाय एंड टेक केयर थैंक यू